दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके की फुल एलईडी का हेडलाइट सेटअप देखने के लिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लीवर देख सकते हैं कि एडजस्टेबल आपको लीवर मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि 15/2/2024 की आपको इसकी मैन्युफैक्चर डेट देखने के लिए मिल जाएगी। आप 21,000 रुपए दे करके इसे घर ले जा सकते हैं। 4,509 रुपए आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। देख सकते हैं गाइस, हमारे सामने आ चुकी है TVS की अपाची RTR 164V BSX Phase 2 E20 वाली आपको यहां पे मॉडल देखने के लिए मिल जा रही है। और यहां पे जो है ये 2024 की इसकी मैन्युफैक्चर और जो है डेट आपको मैं यहां पे दिखा देता हूं। देख सकते हैं कि 15/2/2024 की आपको इसकी मैन्युफैक्चर डेट देखने के लिए मिल जा रही है, यानी कि 2024 की ये मॉडल होने वाली है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बाइक की फीचर्स, मंथली EMI, डाउन पेमेंट क्या आने वाली है, तो फुल फाइनेंस डिटेल जो है आपको इसमें वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली है। तो अगर आप लोग इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हैं 2024 में, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आप लोग को जो है एक आइडिया हो जाए कि इसकी डाउन पेमेंट EMI क्या आने वाली है 2024 में। और जो लो डाउन पेमेंट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 2 से 3 तरह की डाउन पेमेंट और EMI आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो पसंद आया अगर तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के अपडेट देखने के लिए, क्योंकि बाइक की इन्फॉर्मेशन और फाइनेंस डिटेल आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहले मैं आपको इसकी की दिखा दूंगा। इसकी देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको इसमें की देखने के लिए मिल जा रही है, जिसमें आपको TVS लिख करके आ रही है इस साइड में, और इस टाइम में आपको हॉर्स का लोगो देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे अगर इसकी मीटर देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके की फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाएगी। जो बैक की जो लाइट दी गई वो LED में आपको देखने के लिए मिल जा रही है। जो टॉप मॉडल है ये जो है स्पेशल एडिशन कलर है, आपको देख सकते हैं कि कलर मैं आपको दिखा दूँ कि मैट ब्लैक में आपको ये बाइक देखने के लिए मिल रही है, और जो अलॉय व्हील की कलर दी गई है वो आपको रेड में देखने के लिए मिल जा रही है। फ्यूल टैंक के ऊपर जो आपको ये भी आपको रेड में देखने के लिए मिल जा रही है, और यहाँ पे सीट पे भी फिनिशिंग आपको रेड में देखने के लिए मिल जा रही है। बाकी ब्लैक में जो ये मैट दी गई है ये काफ़ी खूबसूरत आपको देखने में आने वाली है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ अगर इसकी मीटर की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की फुल डिजिटल में आपको मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जा रही है। बैक में जो है वाइट कलर की LED लाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी यहाँ मीटर की फीचर की बात कर ले तो ऊपर में आपको यहाँ पे RPM देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे फ्यूल का बताने वाला है, घड़ी का टाइम आपको यहाँ बताने वाला है, स्पीडो यहाँ बताने वाली है। बाकी यहाँ पे मोड 3 तरह के दी गई है, रेन, अर्बन, एयर स्पोर्ट। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अर्बन में है। बाकी यहाँ पे मोड के लिए बटन है, तो इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पोर्ट पे चली गई है। फिर एक बार इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये रेन पे चली गई है। तो 3 तरह के आपको मोड देखने के लिए मिल जाएगी। टर्न बाई टर्न जो है आपको गियर सिस्टम जो इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे बताने वाली है। जो आप लोग अगर यहाँ पे गियर चेंज करके चल रहे हैं तो कितने नंबर पे गाड़ी आपकी चल रही है वो आपको यहाँ पे बताने वाली है। अभी न्यूट्रल में है गाड़ी तो यहाँ एन लिख करके आ रही है। बाकी यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है। बाकी जो मोबाइल चार्ज वगैरह है इसमें आपको नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो डिजिटल लाइट की अगर बात कर लूँ नीचे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंजन मांग फंक्शन का लाइट, यहाँ पे इंडिकेटर का लाइट, ABS का लाइट, पासिंग के लिए लाइट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रही है। न्यूट्रल का लाइट आपको यहाँ पे, फ्यूल रिजर्व का इंडिकेटर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जा रहा है, यहाँ पे इंडिकेटर का, और यहाँ पे एक सर्विस रिमाइंडर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लाइट अगर जब सर्विस की टाइम आएगी तो आपको यहाँ पे सर्विस में जो रेड कलर की है सेटिंग की लाइट बन के यहाँ पे आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके की फुल डिजिटल में आपको मीटर कंसोल इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे LED की हेडलाइट आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको इसे स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। क्या देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे हेडलाइट देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ पे स्विचेस भी दी गई है लाइट के लिए, अगर ऑफ चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो DRL है आपको कुछ इस तरीके की DRL देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे जो है लो पे करते हैं गाड़ी को, और यहाँ पे लाइट जो है लो में ऑन हो गई, और यहाँ पे पासिंग मारने पे ऊपर की लाइट आपको यहाँ पे जलने वाली है। यहाँ पे हाई करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके की फुल LED का हेडलाइट सेटअप देखने के लिए आपको मिल जाएगा। बाकी इंडिकेटर आपको हेलोजन में ही हार्ड में आ रही है, आपको हार्ड में देखने के लिए। बाकी यहाँ पे लीवर देख सकते हैं कि एडजस्टेबल आपको लीवर मिल जाता है, यहाँ पे ऊपर पे कर लेना है। बाकी यहाँ पे जो है इसे घुमा सकते हैं, इसे पहले ऊपर करके यहाँ पे इसे ऊपर कर लेना है, और इसके जो है इस तरह से आप लोग इसे मूव कर सकते हैं। और ये आपको दोनों साइड में देखने के लिए मिल जाएगी, जो ब्रेक वाली है और क्लच वाली है आपको दोनों साइड में अपने हाथ के अकॉर्डिंग आप लोग इसे एडजस्ट करके बाइक को ड्राइव कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पर टेलाइट के सेक्शन दिखा दूँ, कुछ इस तरीके की आपको टेलाइट के सेक्शन एलईडी में ही देखने के लिए मिल जाएगी। हैलोजन इंडिकेटर, नंबर प्लेट की लाइट आपको हैलोजन में देखने के लिए मिल जाएगी, रिफ्लेक्टर आपको दोनों साइड में देखने के लिए मिल जाएगी। सीट ओपन करने के लिए यहाँ पर लॉक देखने के लिए मिल जाता है। ग्रैब हैंडल देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत में जो है लुक देखने के लिए मिल जा रही है। सीट आपको सिंगल में आ जा रही है। बात कर लेते हैं ग्राफिक्स की, अगर तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे फ्यूल टैंक के ऊपर जो है आपको हॉर्स का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। मोटो जीपी वाले जी स्टिकर ग्राफिक्स है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपको स्टिकर देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन ये जो कलर है ये आपको पेंट देखने के लिए मिलती है, ये स्टिकर नहीं है रेड कलर की। ये जो ब्लैक में है वो आपको स्टिकर देखने के लिए मिलती है, देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ कि देख सकते हैं ये ब्लैक में स्टिकर दी गई है और यहाँ पे RTR 160 लिख करके आ रही है। बाकी फ्यूल टैंक का कैप जो आपको सिल्वर देखने के लिए मिल जाता है E20 की बैजिंग के साथ में। स्टिकर इधर देख सकते हैं कि फ्रंट में जो है आपको यहाँ पे TVS रेसिंग लिख करके आ रही है। मडगार्ड के ऊपर में मडगार्ड भी आप देख सकते हैं कि मैट में ही आपको देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है इस साइड से, और इस साइड से आपको हमारा यहाँ पे इंडियन फ्लैग का जो है लोगो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। इस साइड से भी आपको स्टिकर सेम देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे Apache लिख करके आ रही है जो स्टिकर में दी गई है, ये 3D में नहीं है, स्टिकर में देखने के लिए मिलती है। ये भी आपको RTR 160 4V लिख करके आ रही है जो स्टिकर में देखने के लिए मिल जाए। बस यहाँ पे जो हॉर्स का लोगो है वो आपको स्क्रीन में देखने के लिए मिलने वाला है। स्टिकर आपको इस साइड में देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे HyperEdge लिख करके आ रही है, दोनों साइड में आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। इंजन कॉल देख सकते हैं कि फुल में आपको आ रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी इंजन के बारे में। जो इंजन देखने के लिए मिलती है 159.7 सीसी का आपको इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक ऑयल कूल DOSC FI इंजन आपको इसमें आ जाती है। 17.55 PS की मैक्स पावर दी गई है, 9250 RPM पावर को जनरेट करती है और 14.73 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है, जो 7250 RPM पे पावर को जनरेट करती है। बाकी यहाँ पे अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लूँ तो 180 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। इस बाइक की फ्यूल टैंक देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी में आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल रही है, लेकिन जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है आपको 12 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिलने वाली है इस बाइक में। इस बाइक की अगर टोटल वेट की मैं बात कर लूँ गाइस, तो 146 kg की टोटल वेट आपको इसमें होने वाली है। और यहाँ पे जो है इसकी सीट हाइट आपको 800 mm का सीट हाइट आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है एग्जॉस्ट काफ़ी हैवी में देखने के लिए मिल जा रही है, स्टील में दी गई है, सिंगल मोटर के साथ में आपको ये चीज देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी अगर टायर सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो फ्रंट से अगर आते हैं तो 90-90-17 होनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं 90-90-17 की आपको टायर देखने के लिए मिल जा रही है। यहाँ पे जो है आपको डिस्क आपको 270 mm का मिल जाता है, डुअल चैनल एबीएस के साथ में ये बाइक आ जा रही है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि रियर की जो टायर है आपको 130-70 होनी चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 130-70-17 की आपको टायर देखने के लिए मिल जा रही है। 220 mm का डिस्क आपको रियर में देखने के लिए मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि एबीएस के लिए वायर आई वी डोल चैनल ये सबको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ पे जो है किचन गार्ड वगैरह सब लग करके आ रही है इसमें। एक बार इसकी जो है एग्जॉस्ट की मैं साउंड सुनाता हूँ आपको कि किस तरह की एग्जॉस्ट साउंड आने वाली है इसमें। तो यहाँ पे सुन सकते हैं, बाकी इंजन साउंड काफ़ी स्मूथ में आपको इंजन साउंड आ रहा है। देख सकते हैं कि मेरी हाथों पर एकदम वाइब्रेशन नहीं है, एकदम इंजन जो है स्मूथ में आपको आ रही है। देख सकते हैं वाइब्रेशन नहीं है हाथों पे, स्मूथ इंजन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है एकदम। बाकी यहाँ पे तो बात हो गई फीचर्स, थोड़ी सी मैं जो है बटन्स आपको बता देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि येलो कलर में आपको पासिंग देखने के लिए मिल जाती है, हाई और लो के लिए। आई बटन का स्विच यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर के लिए, यहाँ पे हॉर्न के लिए स्विच दिया गया। इस साइड में आपको जो स्विच दी गई है इंजन के स्विच मिल जाता है, मोड के लिए आपको स्विच देखने के लिए मिल जा रही है, लाइट ऑन ऑफ करने का आपको स्विच दिया गया है, सेल्फ स्टार्ट आपको मिल जाती है, किक नहीं है इसमें गाइस। और यहाँ पे इंजन पे भी देख सकते हैं कि TVS का आपको लोगो देखने के लिए मिल जाती है जो लिख करके आ रही है वाइट में। तो यहाँ पे इसकी जो है फीचर्स की मैंने बता दी सारी कि आपको क्या इसमें फीचर्स देखने के लिए मिलती है और क्या स्टिकर ग्राफिक वगैरह सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं कि इसकी ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट, EMI क्या आने वाली है। प्राइसिंग की अगर बात कर लूँ तो 168,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस आने वाली है गाइस, पटना बिहार में। और अगर आप लोग इसे लोन करवाते हैं तो 500 रुपये जो हाइपो का चार्ज है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि 168,500 रुपये आपको इसकी प्राइस पड़ने वाली है। उसके बाद जो इसकी डाउन पेमेंट आने वाली है वो है मात्र आप 21,000 रुपये दे करके इसे घर ले जा सकते हैं। जी हाँ, इसकी जो डाउन पेमेंट आ रही है गाइस वो है 21,000 रुपये आपको इसकी डाउन पेमेंट आ रही है। बात कर लेते हैं अगर EMI की, तो चार तरह की आपको EMI में बता रहा हूँ। 12 महीने के लिए अगर लोन करवाते हैं तो 14,073 रुपये के आसपास आपको इसकी मंथली EMI आने वाली है।
24 महीने के लिए अगर लोन करवाते हैं इस बाइक की तो 7663 रुपये के आसपास आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। 36 महीने के लिए लोन करवाते हैं तो 5549 रुपये के आसपास आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। और 48 मंथ के लिए अगर ये लोन करवाते हैं तो उसकी जो ईएमआई है 4509 रुपये आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। अब यहाँ पे हो गई एक डाउन पेमेंट जो मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड डाउन पेमेंट की, सेकेंड डाउन पेमेंट क्या आने वाली है। तो सेकेंड डाउन पेमेंट जो है वो है 35500 रुपये आपको इसकी सेकेंड डाउन पेमेंट है। उसके बाद ईएमआई की अगर बात कर लूँ तो 12 महीने के लिए लोन करवाते हैं तो 12698 रुपये के आसपास आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। 24 महीने के लिए लोन करवाते हैं तो 6914 रुपये आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। 36 महीने के लिए अगर लोन करवाते हैं तो 5007 रुपये आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। और लास्ट है कि 48 मंथ के लिए अगर लोन करवाते हैं तो 4068 रुपये आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। तो ये हो गई दूसरी डाउन पेमेंट और ईएमआई। अब यहाँ पे तीसरी जो डाउन पेमेंट है वो है 55000 की आपको इसकी डाउन पेमेंट आने वाली है। उसके बाद ईएमआई जो बता दूँ, ये तीसरी डाउन पेमेंट मैंने बताई, पहले जो बताई आपको मैंने 21000 रुपये बताई और दूसरी जो है 35000 डाउन पेमेंट बताई, तीसरी जो डाउन पेमेंट है वो है 55000। अब 55000 डाउन पेमेंट करने के बाद ईएमआई क्या आने वाली है, 12 महीने के लिए अगर बात कर ले तो 10864 रुपये आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है 12 महीने के लिए। 24 महीने के लिए 5916 रुपये आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। और 36 महीने के लिए अगर लोन करवाते हैं तो 4284 रुपये आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। और लास्ट 48 मंथ के लिए अगर लोन करवाते हैं तो 3481 रुपये आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। ये जो है आपको मैंने तीन तरह की डाउन पेमेंट और ईएमआई बता दिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइस आ रही है, यहाँ पे 168000 रुपये आपको इसकी ऑन रोड प्राइस आने वाली है, 68500 रुपये। और यहाँ पे जो है इसकी डाउन पेमेंट फर्स्ट, और यहाँ पे जो है डाउन पेमेंट यहाँ पे ये बताई गई सेकेंड, और यहाँ पे थर्ड डाउन पेमेंट। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से इसे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है तेज प्रताप भैया का नंबर है, जो यहाँ पे देख सकते हैं कि येलो शर्ट में तेज भैया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तेज भैया है, तो इनसे आप लोग भेंट कर सकते हैं। बाकी एक्सिस बैंक से हैं ये, तो इनका नंबर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो इनसे आप लोग बात भी कर सकते हैं कॉन्टैक्ट के थ्रू। और यहाँ का जो एड्रेस है वो मैं आपको बता दूँ कि संगीता टीवीएस के नाम से ये शोरूम है जो पटना सगुना मोड़ के पास में है, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ का जो एड्रेस है और कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कर लेना गाइस। बाकी अगर आप लोग को कोई भी जानकारी और छूट गई हो तो आप लोग मुझसे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके डीएम करके बात कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम का जो नाम है वो आ रहा है, तो आप लोग एक बार इंस्टाग्राम पे ज़रूर चेकआउट कर लेना, वहाँ पर फॉलो भी कर लेना गाइस। बाकी अगर आप लोग को कौन सी बाइक से रिलेटेड वीडियो देखनी है वो आप मुझे कमेंट कर बताएं। तो यही था आज की वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह के अपडेट देखने के लिए, क्योंकि बाइक की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।